आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। नीवा शहर के तिलक मार्ग पर स्थित श्री बावरी वाले बालाजी प्राचीन श्री श्याम मंदिर नीवा चंद्रेश पर कामदा एकादशी 11 पर रविवार को श्याम बाबा का दिल्ली और कोलकाता के पूर्व से आकर्षक सह श्रृंगार किया गया और शाम को ढोल धमाकों के साथ बाबा की महाआरती भी की गयी। देखिए रिपोर्ट। वहीं आरती के पश्चात भव्य ताली कीर्तन और साथ ही फलियारी प्रसाद वितरण किया गया और एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर दिन भर खुला रहा। जानकारी देते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने बताया है कि कामदा एकादशी 11 के दिन ही ये मान्यता है कि आज के दिन हर कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। वहीं अगर सुहागन महिला व्रत रखती है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। वहीं पुरुष भी ये व्रत रखते हैं जिससे उनके आज के काम प्रारंभ होते हैं। साथ ही आज पूरे मंदिर पर बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं तालियों की गूंज से बाबा का कीर्तन भी किया जा रहा है। साथ ही भक्तों के दर्शन के बाद प्रसादी वितरण भी किया जा रहा है और सभी भक्त यहां का आनंद ले रहे हैं। वहीं सावन भी चल रहे हैं जिसके अतिरिक्त भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और सभी श्याम प्रेमी दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखिए सावन चल रहा है और सावन में आज कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का महत्व होता है कि आज के दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य किया जा सकता है और आज के दिन सुहागन स्त्रियां यदि एकादशी का व्रत करती है तो वह अखंड सौभाग्यवती होती है और यदि पुरुष इस दिन व्रत करते हैं एकादशी का तो उनके सभी कार्य बनते हैं, ऐसी मान्यता है। और मंदिर में आज बाबा को सुबह ताली कीर्तन किया गया और उसके बाद दिन में सुंदरकांड किया गया बालाजी महाराज का, फिर दिन में महिला मंडल द्वारा कीर्तन किया गया बाबा का, फिर उसके पश्चात दिल्ली एवं कोलकाता के फूलों से बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया, ढोल ढमाकों से आरती की गई एवं फलियारी प्रसाद वितरण किया गया। भक्तों की भीड़ तो सदैव बाबा के दरबार में लगी रहती है, यहाँ हो खाटू हो या जहाँ भी बाबा का मंदिर है वहाँ सभी दूर बाबा की भीड़ लगी रहती है। बाबा का आशीर्वाद लेने सभी भक्त आते हैं। आज बाबा को फलियारी मिक्सचर का भोग लगाया गया है और उसी का प्रसाद वितरण किया गया। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।